इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। ग्रामीण विकास विभाग सरायकेला के जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चलाने की तैयारी है। झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दस्तावेज तैयार कर रही है, जिस पर जूनियर इंजीनियर से आय व्यय का ब्यौरा मांगेगी और उसकी समीक्षा के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक और प्राथमिकी दर्ज करेगी। फिलहाल सुरेश प्रसाद वर्मा जेल भेज दिए गए हैं। वे गुरुवार को एसीबी जमशेदपुर की टीम के हाथों 10,000 रूपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। इसके बाद जब एसीबी की टीम ने उनके आवास की तलाशी ली तो वहां से करीब 2,45,44,000 रूपए नकदी व काफी मात्रा में आभूषण व निवेश से संबंधित कागजात मिले हैं। जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा की गिरफ्तारी गुरुवार को जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में आईडीए कॉलोनी निवासी विकास कुमार शर्मा की शिकायत पर हुई थी। उन्होंने एसीबी जमशेदपुर को 23 अक्टूबर 2019 को लिखित आवेदन देकर बताया था कि उनकी मां दीपा शर्मा जय माता दी इंटरप्राइजेस की प्रोपराइटर है और जय माता दी इंटरप्राइजेस को ग्रामीण विकास विभाग सरायकेला खरसावा से तमुलिया में 280 मीटर पीसीसी पथ निर्माण कार्य मिला है, जिसका कुल प्राकलन 11,54,964 रूपए है। ठेकेदार ने काम पूरा किया, जिसके एवज में उसे 7,00,000 रूपए का भुगतान हो चुका है। शेष राशि का दस्तावेज तैयार करने के लिए सुरेश प्रसाद वर्मा ने 28,000 रूपए की रिश्वत मांगी। 10,000 रूपए पर सौदा तय हुआ और शिकायतकर्ता विकास कुमार शर्मा ने इसकी जानकारी एसीबी को दी, जिसके बाद आरोपी जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा 10,000 रूपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। जूनियर इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद एसीबी के डीजी नीरज सिन्हा के आदेश पर सुरेश प्रसाद वर्मा के घर की तलाशी ली गई, तो एसीबी की टीम करीब 2.5 करोड़ रूपए नकदी देखकर भौचक के रह गई। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।